फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल रिसी। और हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस, वो भी बिल्कुल फ्री और हिंदी में। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे पार्ट टू विजुअल कंपोजर प्लगइन का। और विजुअल कंपोजर प्लगइन का पार्ट वन वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में होगा वर्डप्रेस प्लगइन, उसमें आप जा कर के आप पार्ट वन वीडियो देख सकते हो। तो कोई ये नहीं है, बहुत ही इजी मैं सिखा रहा हूँ सबको। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फीडबैक दो, रिप्लाई करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ लाइक करना है तो लाइक करो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करो। शेयर करना मत भूलना, शेयर इसलिए करना मत भूलना क्योंकि जब आप सीख रहे हो तो मेरा जो मोटिव है कि और भी लोग सीखें, तो वो चीज़ आप वो करना होगा, शेयर करना होगा। तो चलिए शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो। आज मैं पार्ट टू में ये सिखाऊंगा कि विजुअल कंपोजर में जो और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं उसे मैं कैसे यूज़ करता हूँ। चलिए उसके लिए सबसे पहले मैं पेज में जाऊंगा और ऑल पेजेस पर क्लिक करूंगा। चलिए मैं क्या करूंगा, होम पेज को एडिट करता हूँ एक बार और। एडिट विथ विजुअल कंपोजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक कर दिया एडिट विथ विजुअल कंपोजर। अब क्या करेंगे, बैक एंड एडिटर पे क्लिक करेंगे। बैक एंड एडिटर पे क्लिक किया एक बार, मैं क्या करूँगा ना कि इस चलिए बैक एंड एडिटर पे क्लिक कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, मैंने पार्ट वन में ये दो एलिमेंट ऐड किया था ऐसे, और अब जो हम ऐड करने वाले हैं कुछ और चीज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और मैंने बताया था कि कोई भी काम रॉ में ही करना है, तो एक रॉ लेंगे, यहाँ पे एक रॉ ले लिया। चलिए इस रॉ के अंदर मैं कुछ ऐड करके दिखाता हूँ। क्लिक किया यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मतलब एक ना इसमें से कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ एक गूगल मैप हो। चलिए गूगल मैप लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया गूगल मैप पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपने गूगल मैप का आईपी एड्रेस मतलब ये डालना है, लिंक डालना है, लोकेशन का लिंक जो आपको मैं सिखाऊंगा बाद में कि कैसे हम डालते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट है, उसी का यूज़ करके देखते हैं। चलिए इसको मैं सेव कर दूँगा। आप इसकी साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, हाइट विड्थ भी दे सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हर चीज़ है, बस आपको यूज़ करके देखना है। बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। अपडेट कर दिया इसको, अपडेट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, व्यू करूँगा। चलो मैं इसको व्यू करके देखता हूँ, पेज को व्यू पेज करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैप मेरा आया या नहीं। ये देखिए मेरा मैप आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह से हम मैप का यूज़ कर सकते हैं एंड और भी चीज़ें हैं। फिर से मैं एडिट विथ विजुअल कंपोजर करूँगा, विजुअल कंपोजर में फिर बैक एंड एडिटर में जाऊँगा एंड बैक एंड एडिटर के अंदर फिर एक रॉ क्रिएट करूँगा। चलिए एक रॉ लिया मैंने, यहाँ से रॉ लिया। इस रॉ को मैंने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ लूँगा, जैसे मैं चाहता हूँ एक कस्टम हेडिंग। चलिए कस्टम हेडिंग पे क्लिक कीजा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी टेक्स्ट, जैसे लिखता हूँ माय वेबसाइट, ठीक है, कस्टम टेक्स्ट। एंड इसके ऊपर आप चाहे तो लिंक भी दे सकते हो, कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लिंक दे सकते हो। चलो मैं लिंक दे ही देता हूँ, मैं चाहता हूँ ना उस पर क्लिक होने के बाद कॉन्टेक्ट पेज, ये पेज ओपन हो, सेट लिंक कर दिया। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट आपको कहाँ रखनी है, सेंटर रखनी है, जस्टिफाई रखना है, लेफ्ट रखना, राइट रखना कर दीजिए। फॉन्ट साइज क्या देना है वो कर दीजिए, हाइट विड्थ जो भी, टेक्स्ट कलर करना है, टेक्स्ट कलर मैं चाहूँगा कि रेड हो, चलो रेड कर दिया। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें, फॉन्ट स्टाइल है, एनिमेशन है, सारा कुछ दे सकते हो आप। सेव कर दिया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देना है, मैंने बस टेस्ट करके बताना आपको। इसको अपडेट कर दिया, चलिए इसको न्यू टैब में व्यू करते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। न्यू टैब में व्यू किया,
अब ये देखो, ये वाला यही हमने किया था। अब जैसे मैं इस पे मैंने लिंक भी दिया था एक पेज का, क्लिक करूँगा तो वो इस पेज पे ले आएगा। तो ये चीज़ें हैं कि मैं कस्टम हेडिंग भी दे सकता हूँ, और भी कुछ एलिमेंट ऐड करके देखते हैं और क्या एलिमेंट करें। इसमें मैं कुछ और करता हूँ, इसमें मैं चाहता हूँ फेसबुक लाइक। चलिए फेसबुक लाइक कर दिया मैंने, सेव सेव चेंजेस कर दिया। इसमें मैं चाहता हूँ कॉल टू एक्शन, चलो कॉल टू एक्शन कर दिया। इसको आप एडिट भी कर सकते हो कुछ भी, एंड सेव चेंजेस कर दिया इसमें। इसके बाद अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा वो चीज़। ये देखिए यहाँ पे मैंने फेसबुक लाइक किया था, ये मैंने कॉल टू एक्शन किया था, इसका साइज मैंने चेंज नहीं किया है। ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग। और भी चीज़ें हैं, जैसे एक और रॉ लिया मैंने इसमें, इसके अंदर एक रॉ लिया। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, दो पार्ट में कर दिया। अब पहला में मैं चाहता हूँ ना कि जैसे प्रोग्रेस बार लूँ। चलिए प्रोग्रेस बार ले लिया मैंने, ये प्रोग्रेस बार है। अब क्या करेंगे, इसका कलर भी आप चूज कर सकते हो, पिंक कुछ भी, एंड सेव चेंजेस कर दिया। और इसमें मैंने ले लिया, या आप रॉ HTML भी ले सकते हो। इसमें एक बटन ले लिया मैंने, चलिए बटन ले लिया कुछ भी, एक बटन पे लिख दिया यहाँ पे क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, सॉरी क्लिक हेयर लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटन के ऊपर लिंक दे देंगे कि ये सिंपल पेज को ओपन करे। चलिए मॉडर्न कैसा बटन चाहिए आपको, 3D चाहिए 3D कर दो। शेप कैसा चाहिए आपको, कलर कैसा चाहिए, कलर मुझे चाहिए वायलेट या कुछ भी दे दो, किसी भी कलर का बटन ले सकते हो। साइज कैसा चाहिए, अलाइनमेंट कहाँ करनी है, सेंटर करना है, जो भी करना है कर सकते हो आप। एनिमेशन भी देना है दे सकते हो, फेड अप कुछ भी, कुछ भी दे सकते हो। शेप चेंजेस कर दो, फिर यहाँ पे अपडेट कर दो। अपडेट करना यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो अपडेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आओ, इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए नीचे आ जाएगा हमारा वो चीज़। ये देखिए प्रोग्रेस बार, ये हमारा 3D बटन था, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सिंपल पेज एक था उसको ओपन कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि आप विजुअल कंपोजर के साथ ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आप कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो फीडबैक दीजिए प्लीज़ प्लीज़। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, फीडबैक दो, कॉल करके दे सकते हो, कमेंट करके देख सकते हो, कैसे भी फीडबैक दो, ताकि मैं समझूंगा कि आप लोगों के पास वीडियो पहुंच रहा है, आप लोग देख रहे हैं और सीख पा रहे हैं। और जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक मैं कैसे समझूंगा कि आप सीख पा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सीखते रहिए वर्डप्रेस डिजिटल पैक के अंदर। डिजिटल इसी चैनल के अंदर डिजिटल पैक है, और डिजिटल पैक के अंदर आप लोग सीख रहे हैं वर्डप्रेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल पैक के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। बस कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ, और शेयर करते रहे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।